हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एसएससी सीजीएल टायर के दोस्तों 26 अक्टूबर का डे है जो उसकी फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चनों का एनालाइज इस वीडियो में हम करेंगे। दोस्तों जीके जीएस के क्वेश्चन जो आपके फैक्ट सहित इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आगे भी जो एग्जाम्स रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। किसी भी प्रकार की लिंक, पीडीएफ फाइल, नोट्स वगैरह के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, हमारी बेटी हमारा सम्मान योजना किस राज्य की है? तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारी बेटी हमारा मान या सम्मान योजना एक नामक अभियान जो है ना शुरू किया था। स्कूल और कॉलेज जाने वाली लड़कियों के बीच सुरक्षा उपायों के लिए जागरूकता पैदा करना और महिला संबंधी अपराध जो हैं उनके पंजीकरण और जांच को प्राथमिकता देना, इसमें जो है ये एक प्रोग्राम और सम्मान जो किया गया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु कितनी है? तो दोस्तों पृथ्वी की लगभग अनुमानित आयु है 4.54 अरब वर्ष, यानी बिलियन ईयर्स जो है ना लगभग 4.5 के अराउंड में आपको बताता हूँ इसकी इतनी अनुमानित आयु जो है वो मानी गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान की अनुसूचित जनजाति जो आदेश जो चौथा संशोधन हुआ था विधेयक 2022 किस राज्य पर संबंधित है? संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश जो चौथा संशोधन विधेयक 2022 किस राज्य से संबंधित है? तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों ये हुआ है, कर्नाटक से संबंधित रहेगा। 9 दिसंबर 2022 को लोकसभा में पेश किया गया बिल ने कर्नाटक के आवेदन में संबंध में संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में संशोधन करना चाहता है। उसके बाद कर्नाटक राज्य के संबंध के संविधान में दोस्तों अनुसूचित जनजाति आदेश चौथा संशोधन विधेयक 2022 भी 12 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था। संसद में इस विधेयक के पारित होने के बाद विधेयक कर्नाटक में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कड कुरुबा समुदाय के पर्याय के रूप में भी बेटा कुरुबा को शामिल करेगा। तो ये कर्नाटक से संबंधित दोस्तों जो जनजातियाँ हैं इनको भी अब शामिल किया जाएगा। संविधान की जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है इनका जो आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022 उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में भी जो है उत्तर प्रदेश के भी अंदर इसको जो है ना शीतकालीन में 2022 की करंट अफेयर से ये था दोस्तों इसको भी पास कर दिया गया था। जो ना उत्तर प्रदेश में भी 4 जिले इसमें आते थे, चंदौली, कुशीनगर, संत कबीर नगर और संत रविदास नगर, ये गोंड समुदाय से रिलेटेड जो अनुसूचित जाति इनको अनुसूचित जनजाति में स्थानांतरित करने धुरिया, नारक और जा पठारी ये भी दोस्तों अलग अलग जातियां इसमें शामिल थी। तमिलनाडु ने भी ये संविधान संशोधन जो दोस्तों जो 2022 में पास कर दिया गया था। तमिलनाडु राज्य ने नारी कोवरावन और कुरी करावन समुदाय जो इनको भी जनजाति देने का प्रावधान किया था। ये क्वेश्चन आगे आने वाली शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हट्टी जनजाति ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के ट्रांसगिरी क्षेत्र में है दोस्तों। उसके बाद भिंजा जनजाति भिंजीजिया ये छत्तीसगढ़ में जनजाति है, झारखंड और ओडिशा में एसटी के रूप में सूचीबद्ध थी लेकिन अब ये जातियाँ एसटी में शामिल नहीं की गई हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बादशाहनामा या बादशाहनामा के लेखक कौन है? तो दोस्तों बादशाह या बादशाहनामा के लेखक हैं शाहजहाँ के काल में इन 3 ग्रंथों की रचना की गई थी, मोहम्मद अमीन कजीवनी, अब्दुल अहमीद लाहौरी या फिर मोहम्मद वारिस। इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दिखेगा राइट आंसर आपका रहेगा। इससे जुड़ी और भी पुस्तकें देख लेते हैं। आईने अकबरी लिखी थी अबुल फजल ने फारसी भाषा में, इसके 5 हिस्से हैं, प्रत्येक हिस्से में राज्य के नियमों का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगली थी अकबरनामा, अकबरनामा लिखी थी दोस्तों अबुल फजल ने फारसी भाषा में, इसमें अकबर के दरबारी जो अबुल फजल हैं दोस्तों उनको 3 खंडों में विभाजित किया गया जिसमें इतिहास का जिक्र किया गया है। पहला खंड अकबर के पूर्वजों से संबंधित है, दूसरा अकबर के शासनकाल के दौरान की घटनाओं से और तीसरा अकबर के प्रशासन से संबंधित है। तीसरे खंड को आईने अकबरी के नाम से भी जाना जाता है। मयान खत ए बाबरी, तुजुक ए बाबरी और बाबरनामा ये लिखी थी दोस्तों बाबर की आत्मकथा थी तुर्की भाषा में। मुगल वंश से पहले सम्राट बाबर ने अपनी आत्मकथा पर जो है मूल भाषा तुगचाई चगताई तुर्की में ये लिखी थी, यानी तुर्की भाषा में ये रहेंगी। उसके बाद हुमायूं नामा रहेगी दोस्तों, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में लिखी थी। तारिक ए अल्फी ये मुल्ला अहमद गटवी और आसफ खाजमन बेगम ने लिखी थी,
इनके इस्लाम में 1000 वर्ष पूरे होने पर की गई थी। इकबालनामा जहांगीर, ये जहांगीर का जो मीर बख्शी मोतबिंद खान ने लिखी थी। ये मीर बख्शी जो है मुगल काल में सेना का प्रशासन या सेनापति हुआ करता था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 50वें, पांचवा क्वेश्चन था माफ कीजिएगा, भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे। तो आप देख सकते हैं ये उपराष्ट्रपतियों की सूची है दोस्तों, साथ ही में राष्ट्रपति की भी ये सूची रहेगी, इसको आप देख लेना। सॉरी दोस्तों, एक बार रुकिएगा। चलिए दोस्तों, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की सूची आप दोस्तों देख लेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दुनिया का कौन सा क्षेत्र खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध, यानी खट्टे फलों से रिलेटेड कौन कहाँ पर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र, भूमध्य सागर का जो क्षेत्र है वो खट्टे फलों के लिए या इन फलों की खेती के लिए दोस्तों दुनिया के बागों के रूप में भूमध्य सागर को जाना जाता है। यानी भूमध्य सागर का जो एरिया है उसको उपनाम की संज्ञा दी गई है, दुनिया के बाग। अगला क्वेश्चन था, नदी और अन्य नाम सुमेलित करने थे, गोदावरी पर्यायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है इसलिए वर्धगंगा कहा गया है। यानी कि दोस्तों ऑप्शन आमने सामने थे, उनको मैच करना था आपस में, जैसे गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा, वर्धगंगा, इस तरीके से आपको मिलान करने थे। सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से कैलाश श्रेणी में चमायुंग हिमनंद से निकलती है, यह तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तिब्बत में इसे सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करते इसे दिहांग कहा जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, जबकि बांग्लादेश में इसका नाम जमुना है। उसके बाद दामोदर नदी बंगाल का शोक, महानदी उड़ीसा का शोक, कोसी नदी बिहार का शोक, हांगहो या पीली नदी को चीन का शोक कहा जाता है, मेकांग नदी को कंबोडिया का शोक। उसके बाद ये कुछ नदियां हैं जिनका ऋग्वेद में उल्लिखित पुराना नाम है दोस्तों, यानी प्राचीन नाम और आधुनिक नाम में ये जानी जाती हैं और कहाँ पर बहती हैं ये आप देख लेना। ऋग्वेद काल में दोस्तों पश्चिम किनारे की सिंधु की जो सहायक नदियाँ थी उनमें कुछ थी कुमु, गोमती, कुंभा, सुवास्तु, और पूर्वी किनारे की जो सहायक नदियाँ थी वे थी विस्तृता, असिकनी, पुरुषनी, स्तुद्र, विपाशा। अब ऋग्वेद में दोस्तों सरस्वती नदी की अगरवती जैसे पल्लक्षवती, वेद स्मृति, दिवेदवती, नदियों की माता, वाणी, प्रार्थना एवं कविता देवी को पुराणिक नदी कहा गया है। सरस्वती ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट रहेगा। पंचवर्षीय योजना सेकंड, टेंथ एंड इलेवंथ के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट दोस्तों यहाँ पे दी गई है, फर्स्ट के समय जवाहरलाल नेहरू थे, उसके बाद फोर्थ, फिफ्थ, टेंथ की अगर बात करता हूँ दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह का कार्यकाल आ गया था। इस बार ये आप देख सकते हैं 11वीं के समय आपके थे मनमोहन सिंह। तो ये आपका पूरा प्लान है जो 5 ईयर प्लान थे आपके 12 के 12वें। अगला क्वेश्चन, 36 में राष्ट्रीय खेल जो 2022 में राज्यों की रैंक को सम्मिलित करना था, ये राज्य दिए गए थे, सबसे ऊपर आया था दोस्तों सर्विस, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद हरियाणा, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। और अगर सर्विस को हटा दे दोस्तों, सर्विसेज जो है तो महाराष्ट्र पहले पर था, हरियाणा दूसरे पर। अगर राज्यों में पूछ ले तो महाराष्ट्र पहले, हरियाणा दूसरे, ये ध्यान रखना। ये आपकी पूरी नीचे दिया गया है दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल से रिलेटेड, और पहले भी मैंने एक वीडियो इस पर बनाई है जो कराए गए हैं। उसके बाद अगला था, किस राज्य की विधानसभा में मानसून सत्र 2022 में एक दिन महिलाओं के लिए रखा गया था, जिसमें दोनों सदनों की कार्यवाही महिला विधायकों के नाम रही। तो उत्तर प्रदेश राइट आंसर रहेगा, ये हरियाणा ने भी किया है दोस्तों एक दिन। उसके बाद 2011 की जनगणना के अनुसार महिला और पुरुष साक्षरता का अंतर सर्वाधिक किस राज्य में था। तो राजस्थान में रहेगा, लगभग राजस्थान में 27.85% के साथ महिला पुरुष साक्षरता में सबसे अधिक अंतर है, यानी कि पुरुष 80 थे और महिलाएं लगभग 52 थी। बाकी आप देख सकते हैं नीचे ये लिस्ट दी गई है किस राज्य की साक्षरता कितनी है। अगला क्वेश्चन था, आवर्त सारणी में जीरो ग्रुप में कौन से तत्व हैं। तो अक्रिय गैस जीरो ग्रुप में होती है, 18 नोबल गैसें हैं, इनमें जैसे समूह 1 में सार धातु, समूह 13 में बोरोन समूह है, समूह 15 में नाइट्रोजन समूह, समूह 17 जो 17 ग्रुप है हेलोजन, समूह 18 में नोबल गैस है, ये देख लेना दोस्तों आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग अनुवांशिक नहीं है। तो मलेरिया रोग अनुवांशिक नहीं है, ये आप दिए गए नीचे अनुवांशिक रोग हैं और नहीं है। अनुच्छेद 324 से 329 किस से संबंधित था। तो निर्वाचन से यानी कि इलेक्शन कमीशन से संबंधित दोस्तों ये रहेंगे भारत के अंदर। उसके बाद नीचे आप देख लेना दोस्तों इसके अलग अलग पार्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, कौन सा कैंसर का प्रकार नहीं है। तो ग्लूकोमा नहीं था वहाँ पे ऑप्शन, ग्लूकोमा आँखों से रिलेटेड है दोस्तों, आँखों से दिमाग को जोड़ता है, अगर इसमें तंत्रिका क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो अंधापन आदमी को हो जाता है। अगला था, 25 डिग्री सेल्सियस पर SI इकाई में एक प्रति अणु आदर्श गैस का औसत गतिज ऊर्जा क्या होगी। इसमें
तो आपकी रहेगी 6.17 × 10⁻²⁰ जूल दोस्तों, ये रहेगी। मिर्ची, लौंग, इलायची एंड हल्दी का बोटेनिकल नाम क्या है, तो इन तीन के पूछे गए थे, ये मैंने पहले भी कराया है, रासायनिक नाम जो पूछे गए हैं दोस्तों, ये पूरी लिस्ट दी गई है इसमें, आप ये देख लेना। लौंग का जो पूछा गया था इनमें से, तो लौंग का दोस्तों साइजीवियम एरोमेटिकम, उसके बाद या इलायची, काली मिर्ची, इन सभी का आप ये देख लेना। मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन में हमारे संविधान में कोई जुर्माना नहीं दिया गया, फिर भी समिति ने मौलिक कर्तव्य के उल्लंघन के लिए दंड का सुझाव दिया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी दोस्तों ये थी, इसकी भी पूरी नीचे बताई गई है बात, ये आप देख लेना। अगला क्वेश्चन था, किसी व्यक्ति की करो या अन्य कटौतियों से पहले अर्जित कुल राशि को हम क्या कहते हैं, तो ग्रोस इनकम यानी सकल आय हम बोलते हैं, जब तक उस पर कोई भी कटौती वगैरह टैक्सेस वगैरह नहीं लगते हैं। अगला क्वेश्चन, राजा हर्षवर्धन के समय कौन सा विदेशी यात्री आया था, तो ह्वेनसांग दोस्तों 17वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के काल में ये आया था। उसके बाद ये प्रमुख यात्री हैं, इनका देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल का मिलान करना था, गवर्नर जनरल आपके दिए गए हैं, कौन सा किस टाइम पे आया था, तो इसको अच्छे से देख लेना, आप आगामी शिफ्टों में आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन है, गिरती हुई बाल, चलती हुई कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ते हुए एरोप्लेन में कौन सी ऊर्जा होती है, तो दोस्तों यानी कि व्यक्ति की बात करूँ या किसी बॉल की या एरोप्लेन की या किसी की भी बात करूँ मैं, तो वह गति में है, तो राइट आंसर में रहेगा गतिज ऊर्जा। गति में जब तक है गतिज ऊर्जा, अगर कोई चीज़ कहाँ पे स्थित है तो उसमें रहेगा स्थित ऊर्जा दोस्तों, ध्यान रखना। उसके बाद अमल और अमल का दोस्तों से इसमें करना था, कौन से किस में अमल पाया जाता है, जैसे बायोट्रिक एसिड, बासी मक्खन, वसु पशु वसा और वनस्पति तेल, दूध में पाया जाता है, तो इस प्रकार के करने थे। नारियल में लोरिक एसिड है, सरसों के तेल में यूरिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड पानी में, इन में सभी में, तो इस प्रकार से मिलान करना था। तो एसएससी सीजीएल 26 तारीख के दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन थे, इनसे रिलेटेड मैंने और भी ये क्वेश्चन बताए हैं जो आपके आगामी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनसे रिलेटेड जो जितना भी डाटा दोस्तों, ये आपके बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया था, अभी आपने ग्रुप डी के एग्जाम दिए उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, इस वीडियो से अगर मैं बात करता हूँ तो कई क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिले थे, अगर किसी बच्चे ने पेपर का सही से एनालाइज किया होगा तो इस वीडियो में भी वहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे। वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।